इस बीच खबर है कि चीन ने अब हिंदी भाषा समझने वाले लोगों की एक ऐसी यूनिट बनाई है जो चीन के लिए जासूसी भी करेगी और एलएसी के पास हो रही हर हलचल की खबर भी चीन की फौज को पहुंचाएगी। चीन करीब एक साल में ऐसे लोगों की तलाश में था जिन्हें ये काम सौंपा जा सके और पता चला है कि अब जाकर उसकी वो तलाश पूरी हो चुकी है। चीन की सेना ने ऐसे 19 छात्रों को चुना है जो हिंदी भाषा जानते हैं। इन छात्रों का काम एलएसी पर चीन की फौज की मदद करना होगा। ये काम कई तरह से किया जाएगा। मसलन ये छात्र चीन के लिए एलएसी के पास के इलाकों में जासूसी का काम भी कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो एलएसी पर भारत के सैनिकों की बातचीत चीन की फौज को समझा भी सकते हैं। ऊपर से दावा ये है कि इन छात्रों को एक और काम सौंपा गया है, वो ये कि एलएसी पर तैनात सैनिकों को भी हिंदी सिखाई जा सके। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये कि जिन 19 लोगों को इस काम के लिए चुना गया वो केवल छात्र हैं, लेकिन चीन की फौज उनकी जान दांव पर लगाकर उनसे ये खतरनाक काम करवाने वाली है। उधर ग्रीस के लारिसा शहर के पास एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है और 85 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस से आ रही इस पैसेंजर ट्रेन में 350 से ज्यादा लोग सवार थे जो लारिसा शहर के पास हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी से हुई टक्कर के बाद ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई जबकि 3 डब्बों में आग लग गई। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाऊ में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। युद्ध में शामिल न होने की मांग के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस से भिड़ते हुए भी दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें युद्ध की आशंका के साथ हजारों लोग एक जगह जमा दिखे और फिर माइक पर नारेबाजी करते हुए भीड़ आगे बढ़ती गई। सामने सुरक्षा कर्मियों की भी भारी तैनाती थी। प्रदर्शनकारी बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों के करीब पहुंच गए। इसके बाद दोनों ओर से बहस और थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति माया सैंडू की सरकार से युद्ध में ना पड़ने की मांग की क्योंकि राष्ट्रपति माया सैंडू को यूरोपियन यूनियन का समर्थक और रूस का विरोधी माना जाता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस प्रदर्शन के पीछे रूस की समर्थक एक राजनीतिक पार्टी का हाथ था। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और CMD मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश के 7 विदेशों में भी Z+ सुरक्षा मिलेगी जिससे जुड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार पर खतरे को देखते हुए दिया। भारत में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की होगी जबकि विदेश में ये जिम्मेदारी सिर्फ गृह मंत्रालय की होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अंबानी परिवार अपनी सुरक्षा पर होने वाला पूरा खर्च खुद ही उठाएगा। इस बीच दिल्ली के रोशनारा रोड पर मौजूद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई। वहां पर आग बुझाने के दौरान ही वो 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आग और धुएं से घिरी इमारत अचानक कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से धाराशाही हो गई। आग की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद इमारत से जोरदार धमाके की आवाजें आने लगी और इस आग को लगने के कुछ देर बाद जब दमकल कर्मी इस आग को बुझा रहे थे तो ये बिल्डिंग भरभराकर गिर गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ क्योंकि आग लगने के बाद उस इमारत को उसके आसपास के मकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया था। वहीं इमारत के गिरने के बाद भी आग की लपटों का उठना जारी रहा जिसे बाद में दमकल विभाग की टीमों ने बुझा दिया।